वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आरंभ कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी सही होगा। तो दो दिनों तक चलने वाली 47वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ लखनऊ में होगा और इस आयोजन का उद्घाटन पुदुचेरी की उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी किरण बेदी करेंगी। इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। आखिरी बार 1997 में इसकी मेजबानी लखनऊ ने की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन लखनऊ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत तथा जापान ने किस स्थान पर मिनेक्स 2019 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्ची, ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने अपना पहला द्विपक्षीय माइन काउंट मीजर एक्सरसाइज माइनेक्स 2019 अभ्यास केरल के कोच्ची में किया है। अभ्यास में भारतीय नौसेना की अधिकारी और युद्धपोत बुंगू की माइन स्वीपर और एक नौसैनिक जहाज जिसे माइनों को निरस्त करने के लिए तैनात किया गया है, इसको तैनात किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये कोच्ची में शुरू हुआ है। तो बात करें जापान की, तो वहाँ की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और इसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देश की पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिपिन रावत, ऑप्शन ए सही होगा। तो जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त होने वाली पहले व्यक्ति होंगी। सेना प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तीनों सुरक्षा बलों की तालमेल बिठाने के बाद रक्षा प्रबंधन ने 4 सितारा चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ गठन किया है। वे CDS के रूप में 2 साल के लिए कार्यरत होंगे। उन्होंने जनरल दलवीर सिंह की सेवानिवृत्त होने के बाद 31 दिसंबर 2016 को 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बिलबोर्ड की वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हुआ बिली इलिश, ऑप्शन ए सही हुआ। तो गायिका बिली इलिश को 12 दिसंबर 2019 को बिलबोर्ड 2019 वुमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। टेलर स्विफ्ट को भी बिलबोर्ड के इवेंट में सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अभिषेकात्मक वुमन ऑफ द डिकेंड पुरस्कार दिया जाएगा। बिली ने अपने संगीत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मनोरंजन उद्योग पर छाप छोड़ दिया है जिससे वैश्विक संस्कृति क्षेत्र में एक अमिट प्रभाव पड़ता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में क्वालिटी रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सुरेश कृष्ण, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, तो भारत का पहला क्वालिटी रत्न पुरस्कार सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के अध्यक्ष सुरेश रत्न को प्रदान किया गया है। वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में गुणवत्ता के सिद्धांतों को अपने समाज के लिए एक आदर्श बने रहे हैं। ये पुरस्कार ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी द्वारा बेंगलुरु में आयोजित अपने 27वें क्वालिटी समिट में प्रदान किए गए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लोकपाल के लिए नया लोगो किसने डिजाइन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा प्रशांत मिश्रा, ऑप्शन सी सही होगा। तो लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के लिए नया लोगो और आदर्श वाक लॉन्च किया है। एक नए आदर्श वाक में माँ हृदम कास्य संविधम यानी कि किसी के धन के लिए लालची मत बनो को अपनाया गया है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया लोगो 2236 प्रविष्टियों में से चुना गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अभिषेक वर्मा तथा ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए सही होगा। तो अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वैनम ने 21वीं एशियाई
तीरंदाजी चैंपियनशिप में मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीयों ने अंतिम संघर्ष में चीनी ताइपे की प्रतिद्वंदियों को यी हसन चैन और चीन लोहे चैन को 158-151 के अंतर से हराया है। भारत ने इस स्पर्धा में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा उद्धव ठाकरे। तो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार की कमान संभालेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के अब जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा पणजी में। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 28 नवंबर 2019 को गोवा के पणजी में संपन्न हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म समारोह का 50वां संस्करण 20 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। इस आयोजन की विषय वस्तु एक भारत श्रेष्ठ भारत थी और इस बार इसमें 30 से अधिक मास्टर क्लास और इन कन्वेंशन सत्र आयोजित किए गए थे। इम्तियाज अली और प्रियदर्शन जैसे फिल्मकारों ने इस तरह के सत्र आयोजित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 8वें जल प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 8वें जल प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस वर्ष की सम्मेलन का विषय है जल योजना और नवाचार, जिम्मेदार वैश्विक प्रबंधन में वैश्विक नेतृत्व और पानी का संरक्षण। सम्मेलन में इसराइल को तेल अवीव डेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को कैनस प्रदर्शनी द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी की। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी 2। आज की क्विज का सवाल है, कौन सा देश वर्ष 2020 में संघाई सहयोग संगठन बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रहता है वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।